गाइस, एक सिंपल स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं जिससे जो है आप मार्केट में स्नाइपर एंट्रीज ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक ट्रेंड लाइन को ड्रा करना है। देखें, ट्रेंड लाइन ने यहां पे हमें शो किया कि मार्केट इस टाइम स्ट्रांगली बुलिश है, मार्केट यहां पे रिस्पेक्ट कर रही है इसको। ये देखें, 1, 2, 3 और ये 4 पॉइंट, ठीक है, यहां पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। दैट मींस हम इसको कह सकते हैं कि ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। एंड द सेकंड थिंग इज कि ये 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक एरिया जो कि रिटेस्ट नहीं हुआ था, तो दैट मीन्स टू से कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा डाउन आकर एक नया हायर हाई बना सकती है। तो देखते हैं मार्केट जो है वो क्या रिएक्ट करती है हमें यहाँ पे। तो ये देखें फ्रेंड्स, मार्केट ने बिल्कुल हमारे जो है लेवल के ऊपर रिस्पेक्ट करके यहाँ पे एक नया हायर हाई क्रिएट किया है। पिछले वाले कुछ ने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, दैट मीन्स टू से कि ये एक नया हायर हाई है। एंड देन अब क्या होगा, मार्केट यहाँ से लोअर लो बना के एक नया हायर हाई बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने जो है हमें तकरीबन 97 पिप्स दिए हैं, तकरीबन 100 पिप्स यहाँ से हम इसको ले चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी बिल्कुल एक स्नाइपर एंट्री है। मैं आपको उसका लाइव ट्रेड भी दिखा देता हूँ कि मैंने लाइव ट्रेड भी यहाँ पे ली है, ठीक है। इस तरीके से जो है हम मार्केट में स्नाइपर एंट्रीज लेती हैं अपने टेक्निकल को देखते हुए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और आपको फोरेक्स कोर्स के मतलब कुछ बात सीखनी है, ठीक है, तो उसका कोर्स का लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर मेरे टेक्निकल एनालिसिस एंड फोरेक्स कोर्स के मतलब कंप्लीटली गाइडेंस ले सकते हैं।